Hello, Vande Mataram and good morning to all of you. Welcome you once again on my YouTube channel Learn Grammar Easily with Pankaj Sir. So friends, last time we have seen the change the text topic, do as directed, and we have seen number change. Okay, and today friends, same topic, do as directed or change the text, and we are continue gender topic. चेंज द जेंडर हम पढ़ने वाले फ्रेंड्स, ये स्टैंडर्ड 9, 10, 11, 12 सबके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कॉमन डू एज डायरेक्टेड में आता है. जैसे हमने कल एक्सप्लेन किया था कि 5 टॉपिक में से कोई भी 2 टॉपिक आते एग्जाम में. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया था फ्रेंड जेंडर का, लेकिन शायद आवाज़ की प्रॉब्लम या वीडियो की प्रॉब्लम के वजह से सही नहीं बना, इसलिए आई एम ट्राइंग अ न्यू वीडियो. ओके फ्रेंड्स, सो कीप वॉचिंग. Without wasting time, here we go. See, gender change. Gender has common 3 types and we can use also 4 types. Gender has 4 types. See, masculine gender. Masculine gender means वो होता है friends कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध करे, जो शब्द पुरुष जाति का बोध करे उसे masculine gender कहेंगे. Like he, boy, tiger. Okay? Second gender. फेमिनिन जेंडर, कि जो शब्द स्त्री जाति का बोध करे उसे हम फेमिनिन जेंडर बोलते हैं. लाइक सी, गर्ल एंड टाइग्रेस. ओके, न्यूटर जेंडर मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, कि न्यूटर जेंडर मतलब नान्यतर जाति, मतलब मोस्टली इनमें नॉन लिविंग थिंग का समावेश होता है, निर्जीव वस्तुओं का समावेश होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल बैट, बैग, टॉय, लाइक दिस. एंड द नेक्स्ट इज कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर मीन्स फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जो कॉमन जेंडर में आता है. मीन्स कहने का मतलब कि वो शब्द दोनों जेंडर के लिए यूज़ किया जाता है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी. राइट, फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन हियर टीचर. टीचर इज कॉमन जेंडर. यू कैन से टीचर, कोई शिक्षक, किसी को भी बोल सकते हो आप. वो सर टीचर अलग है भाई फ्रेंड्स, याद रखना. कॉमन क्या है? टीचर. डॉक्टर, डॉक्टर कोई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है. सो फ्रेंड्स, दीज आर 4 जेंडर टाइप्स. अब हमें इसमें क्या सीखना है कि जेंडर चेंज कैसे होता है, कि कौन से जेंडर का किस में चेंज. अगर मैस्कुलिन रहा तो फेमिनिन में चेंज करना पड़ेगा, फेमिनिन रहा तो मैस्कुलिन में चेंज करना होगा, इसलिए ये चेंजेस पे ध्यान देना. सो आई हैव रिटन हियर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. सपोज ही रहा तो क्या चेंज होगा फ्रेंड्स, शी में. हीम रहा, वो ही के 5 बॉक्स याद रखना, ही, हिम, हीज, हीज, हिमसेल्फ. और तो नहीं लिखा है हमने, लेकिन हिम का चेंज होगा हर में, हिज का चेंज होगा हर में. चलो ये तो पता है हमें, हिम हिज रहा तो हर में ही चेंज होगा. लेकिन हर अगर रहा तो आपको प्रश्न आएगा कि हर अगर रहेगा कि तो भाई हिम में चेंज करे कि हर में चेंज करे. तो याद रखना, ये जो तीसरा वाला हर है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है. हर पर्स, हर ब्रदर, हर बैग, हर स्कूल. राइट, और ये जो हर है ना, ये ऑब्जेक्टिव है. I call her, say invited her, okay? तो ये ऐसे हर का चेंज हिम में होगा और ऐसे हर का चेंज हिज में होगा, वो आपको पता चलेगा एग्जाम्पल में है. हिमसेल्फ चेंज होगा हरसेल्फ में, बॉय चेंज होगा गर्ल में, मैन चेंज होगा वुमन में. अब मैन से बहुत सारे बनते हैं फ्रेंड्स, फिशरमैन, वॉशरमैन, पोस्टमैन, राइट, पॉलिसमैन, तो पॉलिस वुमन, इसमें चेंज होता रहेगा. ओके, कॉमन जेंडर में हम पॉलिस भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, याद रखना. फादर चेंज इंटू मदर. अब फादर जेंडर का चेंज होगा मदर में, मतलब ग्रैंड फादर हो, फादर इन लॉ हो, मदर इन लॉ हो, तो फादर इन लॉ में चेंज होगा, जो भी होगा उस प्रकार चेंज होगा. अब ब्रदर जेंडर चेंज इंटू सिस्टर जेंडर, या सिस्टर रहा तो ब्रदर में सन चेंज इंटू डॉटर, अंकल चेंज इंटू आंट, नेफ्यू. नेफ्यू में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर लेते, नेफ्यू मतलब भतीजा, तो चेंज होगा नीज में. ओके, हस्बैंड चेंज इंटू वाइफ, किंग चेंज इंटू क्वीन, क्वीन रहा तो किंग में चेंज होगा, प्रिंस चेंज होगा प्रिंसेस में, गॉड चेंज इंटू गॉडेस, जेंटलमैन चेंज इंटू लेडी, सर चेंज इंटू मैडम, पोएट चेंज इंटू पोएटिस, कवि चेंज इंटू कवयित्री, याद रखना. ऑथर चेंज इंटू ऑथरेस, ऑथर मीन्स लेखक होता है, तो लेखिका में चेंज होता है. हंटर हंटरेस, वेटर वेटरेस, हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस. ये हुआ पर्सन के लिए. अब एनिमल्स में क्या होता है फ्रेंड्स, डॉग रहा तो बीच में चेंज होगा, हॉर्स रहा तो मेयर, कॉक हैन में चेंज होगा, पीकॉक रहा तो पी हैन में चेंज होगा, टाइगर चेंज इनटू टाइग्रेस, लॉयन चेंज इनटू लॉयनेस, ऑक्स चेंज इनटू काउ.
सो फ्रेंड्स, ऐसे ये चेंजेस होता है। अब इनको रूबरू हम एग्जांपल में कैसे यूज करें, तो आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स। सो सी, ही इज माय ब्रदर, राइट? चेंज इनटू जेंडर, तो ही चेंज इनटू सी, इज में चेंज नहीं होगा। देखो फ्रेंड, जेंडर में चेंज करना है तो ओनली जो शब्द जातिवाचक शब्द का बोध करें ना, उसको ही चेंज करें। बाकी हेल्पिंग वर्ब को, दूसरे रिलेटिव प्रोनाउन को कोई चेंज ना करें। जैसे कि इज का इज, माय का माय, ब्रदर चेंज इनटू सिस्टर, करेक्ट। आगे लुक एट दैट लेडी, तो लुक का लुक रहेगा फ्रेंड्स, एट का एट रहेगा, दैट का भी दैट रहेगा, लेडी का चेंज हो जाएगा जेंटलमैन में, करेक्ट। नेक्स्ट, हर सिस्टर इज अ पोएटिस, तो हर सिस्टर उसकी बहन, अब हमने कहा था फ्रेंड्स आपको इधर ही रिलेटिव रहा, तो ये तीसरा वाला हर रिलेटिव प्रोनाउन है। हर मतलब क्या होगा, हीज में, सिस्टर चेंज इनटू ब्रदर, इज ए पोएटिस का चेंज होगा फ्रेंड्स पोएट, ओके। ये तो जनरल एग्जांपल थे, एग्जाम में कैसा आता है तो इस प्रकार आता है फ्रेंड्स। स्टार्ट धिस वे लिखा होता है, लास्ट टाइम भी हमने कहा था स्टार्ट धिस वे से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई चेंज किस में हो रहा है। कहीं एक ही बदल में पूरा पैराग्राफ तो चेंज नहीं हो रहा, कहीं दो बदल में तो पूरा पैराग्राफ चेंज नहीं हो रहा है, ये भी ध्यान रखना भाई, ओके। आप देखो, वन डे अ मैन, वन डे अ वुमन, सेड है तो सेड का सेड ही रहा, मतलब केवल जेंडर में चेंज है। अगर सेड का सेल्स हुआ होता तो हम टेंस में भी बदलते, ओके। तो क्या लिखा है, सेड टू हीज वाइफ, तो हीज का क्या होगा फ्रेंड्स हर, वाइफ का क्या होगा हस्बैंड, चेंज करते जाते। फिर आगे देखो क्या बोलते हैं कि लास्ट नाइट में कोई चेंजेस नहीं होगा, राइट? अ लोयन, अ लोयन का हो जाएगा लोयनेस, ओके। अ लोयनेस कैम इनटू द विलेज, तो हम जैसा है वैसा लिखेंगे, कैम इनटू द विलेज। फिर आगे लिखा है ऑल वुमेन, देखो फ्रेंड्स ऑल वुमेन, वुमेन यहाँ पे प्लूलर में है, राइट? जेंडर चेंज करना है, प्लूलर है तो जेंडर भी प्लूलर ही रखेंगे हम, मतलब मैन, यहाँ पे चेंज याद रखना है, ऐसे चेंजेस। ऑल मैन आर फ्राइटन, फिर क्या लिखा है, द सरपंच नीस, तो द सरपंच तो कॉमन जेंडर है, तो सरपंच जैसा है वैसा ही आएगा। नीस का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नीस है ना, हाँ नीस है, नीस का चेंज हो जाएगा नेफ्यू, राइट? फिर क्या लिखा है, केम आउट विथ अ स्टिक इन हर हैंड, हर लिखा है, हाथ उसका है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो हर का चेंज होगा फ्रेंड्स हीज, हैंड में कोई भी प्रकार का चेंज होगा नहीं, ओके। तो फ्रेंड्स, हमने जितने कॉमन जेंडर जो जरूरी हमारे लिए, जो 10th 12th के लेवल की जितने जेंडर चेंजेस होते वो हमने अगर लिखे, अगर आपके पास बहुत होंगे और दूसरे अलग इंग्लिश में पता होंगे तो आप डिक्शनरी का यूज़ करके या कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, ओके। तो एक्स्ट्रा आपको नॉलेजेबल रहेगा वो भी, लेकिन चेंजेस कैसा होता, किस प्रकार चेंजेस होता, आई हैव एक्सप्लेन्ड, ओके, आई हैव एक्सप्लेन हियर। सो हियर वी एंड अवर टॉपिक, थैंक यू सो मच ऑन बीइंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ नाइस डे।